ये है दुनिया के बेशकीमती चीजों में से एक। जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट। इंटरनेशनल मार्केट में इस मुकुट की कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 20 करोड़। रोहन साहब, मैं आपको इसका 10 से ज्यादा नहीं दे सकता। हरपाल सिंह जी, इस मुकुट के मुझे 15 करोड़ पहले ही ऑफर मिल चुका है। तो ओके, 12। टेक योर ओन टाइम हरपाल सिंह जी। रोहन साहब, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं दिया जाता। जो कि आज चीज पसंद है, हो सकता है कल पसंद ना आए। हरपाल सिंह जी, आई एम श्योर कि अगली बार आप खुद चलकर हमारे पास आएंगे। चलता हूं। ओके मुकेश। देखना मुकेश, आज हम चलकर गए थे ना उस हरपाल के पास, कल वो खुद चलकर हमारे पास आएगा और इसी मुकुट के 18 करोड़ देगा हमें। बिल्कुल, चल इसे सेफ में रख देते। अरे मुकेश। हाँ। चाबी शायद कार में रह गई है, जरा ले आ। श्योर। हेलो पुलिस। रोहन मुकुट को सेफ में रखने के लिए आया था। उसने मुकुट को पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। किसने? रोहन के घर पे काम करने वाला उसका नौकर हमित। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, अमित खून नहीं कर सकता। आप कौन? ये रोहन की मिसेस अनुपमा मखीजा। और ये अमित कहाँ रहता है? यहीं पर, सर्वेंट क्वार्टर्स में। पूरे कमरे की तलाशी। सर, ये तो वही बॉक्स है जिसमें मुकुट रखा था। खोलो। केडी सर, आजकल इतने कम उम्र के बच्चे क्राइम करने लगे। ये सुनिए, 18 साल का नौकर अमित, जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट चुरा कर और अपने मालिक का खून करके फरार। मिस्टर केडी पाठक जी, कहिए। बादशाह, बहुत नाम सुना है आपका। वैसे मेरा नाम हरपाल सिंह है। बैठिए। ये खबर पढ़ी आपने? जी पढ़ी रहा था। वेरी गुड। अच्छी, मैं चाहता हूं कि इस लड़के अमित की तरफ से आप केस लड़े। आपका क्या रिश्ता है इसके साथ? अजी, मैं एक बार इसको राहुल मखीजा के ऑफिस में मिला था। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का चोर या खूनी हो सकता है। कमाल है हरपाल सिंह जी, आप इस लड़के से एक ही बार मिले और इतना भरोसा।
क्या बात करते हैं केडी साहब, एक हीरे की पहचान तो एक जोहरी ही कर सकता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अखबार के अनुसार वो मुकुट जिस डिब्बे में था वो इसके कमरे से ही मिला है, और मिस्टर मखीजा के सहायक ने इस लड़के को हाथ में गन लिए फरार होते भी देखा है। मगर मुझे लगता है कि ये लड़का खूनी या चोर नहीं हो सकता, वो बेगुनाह है। हरपाल सिंह जी, मेरे मन में कंफ्यूजन है कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का बेगुनाह है। आपका ये कंफ्यूजन भी इससे दूर हो जाएगा। कितना एडवांस दे दूं मैं आपको? हरपाल सिंह जी, मैं पैसों के लिए वकालत नहीं करता। तो इसका मतलब आप ये केस नहीं लेंगे? जी, आपके इस अग्रिम राशि की वजह से तो कतई नहीं। अगर ये केस आप अपने हाथ में ले लें तो मैं आपको 25 लाख रुपया दे सकता हूं। थैंक यू हरपाल सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके मिस्टर केडी, जैसे आपकी मर्जी, फिर भी अगर आपका मन बदले तो एक बार बता दीजिएगा। सर, आपने केस क्यों नहीं लिया? सही, ऑफर इतना अच्छा दे रहा था, और वैसे भी उसे पूरा भरोसा है कि अमित निर्दोष है। एक ही साथ दो सवाल पूछ लिए तूने। तेरे पहले सवाल का जवाब, भगवान का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, पैसों के लिए वकालत करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे सवाल का जवाब, हरपाल सिंह एक एंटिक डीलर है। अगर इसे यकीन होता कि अमित बेकसूर है और वो मुकुट उसके पास नहीं, तो वो कभी इस केस में इतनी रुचि नहीं दिखाता। वैसे कुछ भी कहो, केस बहुत इंटरेस्टिंग है, सच का पता लगाना चाहिए। और सच तो अमित से ही पता चलेगा, और वो तो फरार है। हाँ, लेकिन उसके घर वाले तो होंगे ना। रघु जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप अमित के बारे में जानने आए हैं? पुलिस वाले? नहीं नहीं, पुलिस वाला नहीं हूं मैं मशहूर वकील केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम वरुण है, और हाँ, मैं अमित के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब है मतलब? सर, जिसका भाव मेरे जैसा होगा उसकी किस्मत खराब नहीं होगी तो कैसी होगी? लेकिन पहले भी तो वो किसी जुर्म की सजा काट चुका है ना साहब। आप मिसेज मखीजा के गहनों की चोरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। नहीं साहब, वो गहने अमित ने नहीं चुराए थे, उन्हीं के घर में काम करने वाले एक दूसरे लड़के सुंदर ने चुराए थे। अमित तो उसे बचाना चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। साहब, ये मिसेज मखीजा बहुत बड़े दिल वाली औरत है। जेल से वापस आने के बाद अमित को वापस काम पर रख लिया था। कहाँ तेरा बेटा अमित? साहब, मुझे नहीं मालूम। वरुण, तुम यहाँ कैसे? ले चलो इसे, यही बताएगा इसका बेटा कहाँ है। साहब, साहब मेरे बच्चे को बचा लो साहब, जेल जाने से वो किसी का खून नहीं कर सकता। साहब मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा। सब रघु की बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अमित बेकसूर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए हरपाल सिंह जी। मेरे ऑफर के बारे में आपने अब तक कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। जी, मैंने तय किया है कि मैं अमित का केस लड़ूंगा। गुड, मुझे लगता है कि मैंने आपको 12 लाख देने की बात कही थी। शायद
25 लाख कहा था। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, माफ कीजिए, 25 लाख तो 25 लाख ही सही। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है आप ये सोच रहे हैं कि उस लड़के के लिए 25 लाख रुपया खर्च करके मेरा क्या फायदा होगा, है ना? इसमें सोचना क्या है सिंह साहब? मैं जानता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुकुट अमित के पास है और आपके इस एहसान के बदले में वो मुकुट आपको दे देगा। एक बार के लिए तो मैंने ऐसा ही सोचा था। हाँ, लेकिन आगाह करना चाहूंगा आपको कि वो चुराई हुई चीज है। तो क्या 5 करोड़ में डील हो सकती है? ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, सोचता हूँ इसके बारे में। वैसे आप ये रुपए मुझे चेक से देंगे या कैश से? कैश ऑन डिलीवरी। सोच के बताता हूँ हरपाल सिंह जी। आप बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं। खैर, अगर आपका मन बदले तो एक कॉल जरूर कीजिएगा। जी। आपके पति के बारे में सुनकर दुख हुआ मिस मखीजा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा यह जानना जरूरी है कि उस रात आप कहां थी? जी, मैं अपने कमरे में थी, अपने बेड पर, और बेड से उठकर मैं खुद व्हीलचेयर पर नहीं आ सकती थी। काफी समय बाद जब अल्पना मेरे कमरे में आई तो उसके साथ मैं नीचे आ गई, लेकिन तब तक ये अल्पना कौन है? जी, अल्पना मेरी कजिन है, हमारे साथ इसी घर में रहती है। जी, यही है अल्पना। धन्यवाद अल्पना, दैट्स मिस्टर केडी पाठक। बहुत सुना है आपका नाम, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? वो बेड के कोने से लगा है, अंगूठे में थोड़ी सी चोट है। अल्पना, मिस्टर पाठक अमित का केस लड़ेंगे, एंड आई एम श्योर कि ये उसे बचा लेंगे। और तुम इस बात से खुश हो? मेरी चचेरी बहन इस मामले में बड़ी उदार है, इतनी उदार है कि अपने पति के कातिल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? सॉरी, मैं अपनी औकात भूल गई थी, माफ कीजिए मिस्टर केडी पाठक, मैं इतनी बड़ी उदार नहीं हूं। मेरे पति के जाने के बाद रोहन जी ने इस घर में मुझे जगह दी है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सो आई एम सॉरी, अल्पना के बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पति के देहांत से दुख है उन्हें। हाँ दवे, वेट। मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अमित। 1, 2, 3। कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा। कोई आना मत यहाँ पे, कोई आना मत यहाँ पे। केडी, तुम यहाँ? मैं अमित का वकील हूँ। लेकिन वो तो खुद को मारने की धमकी दे रहा है, उसके पास गन भी है। मैं बात करता हूँ। केडी, नहीं, उसके हाथ में गन है, वो गोली भी चला सकता। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने। एक दवे, अमित मेरा मुवक्किल है और शायद बेकसूर भी। अगर उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे करना है। केडी, thank you.
चले जाओ यहाँ से। अमित मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मैं गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा, चले जाओ। नहीं देखो ऐसा कुछ करना मत। मैंने कहा ना कोई भी पुलिस वाला मुझे अंदर नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ अमित, मेरा नाम केडी पाठक है, तुम्हारा वकील हूँ मैं, तुम्हें बचाने आया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। अमित काम लो, देखो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारे पिता रघु से मेरी बात हुई है, मिसेज मखीजा से मेरी बात हुई है, दोनों का कहना है कि तुम निर्दोष हो, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मैं निर्दोष हूँ भाई। नो दैट अमित, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन इस तरह भागना पुलिस से छिपना तो वही करते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो, तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। गन नीचे करो, चलो मेरे साथ। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? नहीं मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले। नहीं मैं नहीं करूंगा। मेरी बात समझो। मैंने ना ही खून किया और ना ही मैंने मुकुट चुराया, मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। नहीं देखो अदालत में मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो, तुम्हारा वकील होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते। मैं सिर्फ कह सकता हूँ तुम्हें जो करना है तुम्हें को करना है। केडी सर, अमित 14 साल की उम्र में मिसेस मखीजा के घर से गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुलजिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, मौका पाते ही दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया और 7 अक्टूबर की रात को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके करोड़ों का कीमती मुकुट लेकर वहां से फरार हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, 7 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मिस्टर मुकेश नथानी का फोन पुलिस स्टेशन में आया। हेलो पुलिस, उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। हम करीब 12:15 पर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ये वहां से भाग चुका था। और फिर आपने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में जाकर अमित के कमरे की तलाशी ली और वहां आपको ये खाली बॉक्स मिला? जी हाँ, ये बॉक्स इसने बेड के नीचे छिपा रखा था। योर विटनेस मिस्टर पाठक। इंस्पेक्टर दवे, इस रिवॉल्वर को ध्यान से देखकर बताइए कि क्या ये वही रिवॉल्वर है जो आपने अमित के आत्मसमर्पण के बाद वहां से बरामद किया था। जी हाँ, तब तो स्पष्ट है कि मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या इसी रिवॉल्वर से चली गोली से हुई होगी। बिल्कुल, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसी गन की गोली से रोहन मखीजा का खून हुआ है। इंस्पेक्टर दवे, आप एक निपुण पुलिस ऑफिसर हैं, आपने ये अवश्य पता लगाया होगा कि इस गन का मालिक कौन है। बिल्कुल योर ऑनर, इसी साल 2 जनवरी को ये गन मैनचेस्टर गन डीलर के यहाँ से खरीदी गई और ये गन मिस अल्पना के नाम से रजिस्टर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। अल्पना जी, 2 जनवरी को मैनचेस्टर गन डीलर्स के पास से आपने ये गन खरीदी थी? जी हाँ, लेकिन ये गन मेरी नहीं है। आपकी गन नहीं है से मतलब मैनचेस्टर गन डीलर्स की रसीद आपके नाम पर है, ये रिवॉल्वर आपके नाम पर दर्ज है,
ऐसे कैसे संभव है कि ये गन आपकी नहीं? ये गन खरीदने के लिए मेरी कजन अनुपमा ने मुझे कहा था। जी, ये सही है कि मेरी कजन अल्पना ने मेरे ही कहने पर ये गन खरीदी और उसी दिन आपने वो गन अमित को सौंप दी ताकि वो उससे आपके पति का खून कर सके। अब कहना क्या चाहती है कि मैंने अपने पति का खून करवाया है? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मुझे ये बताइए मिसेज मखीजा कि आप मिस्टर केडी पाठक से नहीं मिली थी? क्या आपने उनसे अमित का केस लड़ने को नहीं कहा? जी कहा। तो फिर मुझे ये भी बताइए कि वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल का केस एक लॉयर को सौंपती है? वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल को बचाना चाहती है? ऐसा क्यों किया आपने, बताइए? क्योंकि मैं जानती हूं अमित कातिल नहीं है। जो मेरे घर के एक नौकर को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सिर पर ले सकता है, वो कातिल हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल मेरे पति का, अगर मुझे उसका खून करवाना होता तो मैं ये काम बहुत पहले करवा चुकी होती। Silence in the court, please. क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले 5 साल से मैं इस व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर हम आपकी इस इमोशनल बात को मान भी लेते हैं तो आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, क्या अमित ये जानता था कि आप अपनी गन कहाँ रखती हैं? जी हाँ। Your Honor, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने आखिरी गवाह को। ये वो इंसान है जो रोहन मखीजा के कत्ल के वक्त वहीं उस कमरे में मौजूद था। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुकेश नथानी को। मिस्टर नथानी, आप कोर्ट को बताएंगे कि 7 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? जी, उस दिन रोहन अपने सेफ की चाबी कार में ही भूल गया था और जब चाबी लेने के लिए मैं कार तक पहुंचा ही था कि मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, और जब मैं वापस वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अमित यानी कि ये लड़का, इसके हाथ में गन थी। और आपने अमित को पकड़ने की कोशिश नहीं की? जी, मैं बहुत घबरा गया था, इसके हाथ में गन थी, मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। Your witness? मिस्टर मुकेश नथानी, आपने अपने कथन में कहा कि अमित को रोकने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। स्पष्ट है कि हाथापाई का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। सीढ़ियों से फिसल गए थे? अच्छा मिस्टर नथानी, ये बताइए कि आपने अमित को हाथ में गन लिए हुए देखा लेकिन उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा, फिर भी आपने उसे हत्यारा मान लिया, क्या पहले से आपको अमित पर कोई संदेह, कोई शंका थी? अमित अच्छा लड़का था, मेहनती था और सब लोगों को बहुत पसंद भी था, लेकिन उस दिन इसका वो रूप देखने के बाद आप सबकी उसके बारे में राय बदल गई और आप सबके सामने इसका असली रूप आ गया। मिस्टर नथानी, आपने कोर्ट को ये बताया कि आप अमित को बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्यों पसंद करते थे ये नहीं बताया। जी, ये अक्सर मुझसे बहुत सवाल पूछा करता था और इसकी ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किस तरह के सवाल? रोहन का एंटीक का बहुत बड़ा कलेक्शन था, उसी से रिलेटेड और खासकर उस मुकुट के बारे में। रोहन की गैर हाजिरी में मैंने वो मुकुट इसको कई बार दिखाया था और इसको वो मुकुट बहुत पसंद भी था। खास तौर से इस मुकुट से रिलेटेड किस तरह के सवाल अमित क्या करता था आपसे? जी, ये अक्सर मुझसे ये जानना चाहता था कि अगर ये मुकुट जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह का है तो ये कितना महंगा होगा। और कोई आखिर इस मुकुट को खरीद के उसका क्या करेगा, वगैरह वगैरह। मैंने ना ही खून किया और ना ही मैंने मुकुट चुराया।
मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने वो मुकुट देखा तक नहीं। सर आप जानते ही है उस मुकुट का खाली बॉक्स मेरे कमरे में से मिला था, जिसकी वजह से सब लोग मुझे चोर समझ रहे थे। मुझे डर था कि कहीं आप भी मुझे चोर समझ ना लें। लेकिन तुम मिसेस मखीजा का गन लेकर मिस्टर मखीजा के कमरे में गए ही क्यों थे? मैं खुद गोली की आवाज सुनकर उनके कमरे की तरफ भागा था। मैंने देखा मिस्टर मखीजा की लाश वहां पे पड़ी हुई थी और पास ही में मिसेस मखीजा की गन थी। मैं कुछ सोचता समझता उसके पहले मुझे दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और मुझे लगा कि मिसेस मखीजा ने ही तुम मिसेस मखीजा को बचाने के लिए वो गन लेकर वहां से भागे थे। अमित, सुंदर को बचाने के लिए पहले ही तुम जेल काट चुके हो। क्यों किसी का जुर्म अपने सर लेना चाहते हो? क्यों उस जुर्म की सजा भुगतना चाहते हो जो तुमने किया नहीं? पीडी टाइम खत्म हो चुका है। दबी, तुम्हें मेरे साथ वारदात की जगह पर चलना होगा। मिस्टर नथानी और अमित दोनों गोली की आवाज सुनकर इस कमरे में आए थे और फिर अमित ने कहा कि उसने दूसरे दरवाजे के पास किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जैसा आपने कहा था, मैंने मुकेश का कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया। ग्यारह तारीख को हरपाल सिंह ने मुकेश को कई फोन किए। 12 को मुकेश ने हरपाल सिंह को फोन किए, लेकिन हरपाल सिंह ने उसके कॉल रिसीव नहीं किए। एग्जैक्टली सर। कोर्ट में फिर उसके सर पे वो पट्टी। जरा सोच, मुकेश नथानी का कहना है कि अमित मिस्टर मखीजा की लाश पे खड़ा हुआ था गन लेकर के। दवे ने फैक्ट्री से जब अमित को अरेस्ट किया तो वहां से गन बरामद हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अमित बेकसूर है तो फिर वो कुट कहां गया? अमित के बिस्तर के नीचे तो सिर्फ डब्बा था, मुकुट किसके पास है? मिस्टर हरपाल सिंह, केडी पाठक बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर केडी। अभी भी आपको उस मुकुट में रुचि है? जी हाँ बिल्कुल है। आपको सौदा तो याद है ना? हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, बट जाहिर है आपको ज्यादा चाहिए तो मैं आपको 15 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ। 15 करोड़? ऐसी ठीक है, डन डील। तो कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं वो मुक्त? बस जैसे मेरे पास आ जाए। पंद्रह करोड़ ऑफर कर रहा है मुझे, इसका मतलब हरपाल सिंह जानता है कि मैं उसे वो मुकुट नहीं लाकर दे सकता। एक काम कर वरुण। व्हाट सर? योर ऑनर, सारे सबूतों, चश्मदीद गवाह मुकेश नथानी के बयान और इस सारे मामले में अमित की इस चुप्पी से यही साबित होता है कि रोहन मखीजा का खून और मुकुट की चोरी दोनों ही मुलजिम अमित ने की है। I object, Your Honor. प्रोसिक्यूटर साहिबा ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर रोहन मखीजा को मारने का मकसद और लोगों के पास भी था, और मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं मिस्टर रोहन मखीजा की पत्नी मिसेस अनुपमा मखीजा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। मिसेस मखीजा, आपने इस अदालत को स्वयं कहा था कि अगर आप चाहती तो बहुत पहले अपने पति की जान ले सकती थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि आपके मन में अपने पति के लिए इतनी घृणा होने का कारण क्या है? जिस इंसान की वजह से आपको अपनी पूरी जिंदगी अपाहिजों की तरह बितानी पड़े, उससे नफरत नहीं तो और क्या करेंगे आप? मेरे और रोहन के बीच प्यार कभी नहीं था, हम दोनों में अक्सर
अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। एक दिन एक झगड़े के दौरान उसने मुझे धक्का दिया और मैं सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। उस दिन के बाद मैंने रोहन को कभी माफ नहीं किया। एक्चुअली मैं उसे कभी माफ कर ही नहीं पाई। और इस घृणा के कारण 7 अक्टूबर को आपने अपने पति की हत्या कर दी। गन वहां छोड़ दी, लेकिन आप दूसरे दरवाजे से निकलती उससे पहले अमित वहां पहुंच गया। उसने आपको देखा और आपको बचाने के लिए आपका जुर्म अपने सर लिया, उस गन को उठाया और वहां से फरार हो गया। मैं खून कैसे कर सकती हूँ? जब गोली चली तब मैं अपने बेड पर थी। फिर जब करीबन आधे घंटे के बाद अल्पना मेरे कमरे में आई तब मैं वहां जा पाई। समझ जाता हूँ, क्या क्या कहा आपने? आधे घंटे बाद अल्पना जी वहां आई थी। जी अल्पना जी, मिसेस मखीजा ने अभी अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि गोली चलने के पूरे आधे घंटे बाद आप उनके कमरे में पहुंची। इस देरी का कारण जान सकते हैं? जी, गोली की आवाज सुनकर मैं उसी कमरे में गई जहां से गोली चली थी। वहां मैंने रोहन जी की लाश देखी। लाश देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर मुझे लगा मैं अनुपमा से जाकर क्या बताऊं, इसीलिए मैं। क्षमा कीजिए योर ऑनर, मैं अपने सहायक से बात करने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद अल्पना जी, आप बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर मुकेश नथानी से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। मिस्टर नथानी, कितने समय से आप मिस्टर मखीजा के साथ काम कर रहे थे? जी करीब 7 साल से। 7 साल से? स्पष्ट है कि वो आप पर बहुत विश्वास करते होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप अपने आप को उस विश्वास के योग्य मानते हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब तो अब आप अदालत को समझाएंगे मिस्टर नथानी। समझाइए मिस्टर नथानी, हमें इस मुकुट का मतलब समझाइए। अरे आप लोगों ने ये मुकुट अमित के पास से बरामद भी कर लिया, कहां छुपा रखा था इसने ये मुकुट? बताएंगे, अवश्य बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 11 अक्टूबर की रात को हरपाल सिंह जी ने आपको लगातार फोन किए, जिसके बाद आप उनसे मिलने गए, उस मुलाकात का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसी घटना घटी उस मुलाकात के दौरान के 12 अक्टूबर को जब आप लगातार हरपाल सिंह जी को फोन करते रहे, हरपाल सिंह जी ने आपका फोन लेने से इनकार कर दिया था? क्या हुआ था? What happened? देखिए, मैंने ना तो उनको कोई फोन किया और ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल किया था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर नथानी। योर ऑनर, ये मिस्टर नथानी के मोबाइल फोन की सूचना है जिसके अनुसार हरपाल सिंह जी ने कई बार इन्हें फोन किया 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर का इन्होंने हरपाल सिंह जी को फोन किया और 12 अक्टूबर को ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण इनके सर में चोट आ गई। राइट मिस्टर मथर? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था तभी ये चोट लगी थी मुझे। लेकिन मिस्टर नथानी, आपके अपने डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार आपके माथे पर जो चोट लगी है वो सीढ़ियों से फिसलने के कारण नहीं है, ऑनर, किसी ठोस चीज से वार किए जाने के कारण है। तो बताइए मिस्टर नथानी,
आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? चलिए, आप ये बात गुप्त रखना चाहते हैं तो ये बता दीजिए कि आपने हरपाल सिंह जी को वो मुकुट कितने में बेचा? आखिर ये क्या बकवास है? किसी का चुराया हुआ मुकुट मैं कैसे बेच सकता हूं? नहीं, पूछ रहा था क्योंकि कुछ तो फायदा हुआ होगा, 3-4 हजार रुपए तो मिल ही गए होंगे। वास्तव में योर ऑनर, ये मुकुट जो इस समय अदालत में रखा हुआ है ये असली मुकुट है। मिस्टर मखीजा ये समझ गए थे कि उनके एसोसिएट मिस्टर नथानी उनके विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने असली मुकुट अपने घर पर अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया। नकली मुकुट लेकर वो मिस्टर हरपाल सिंह के पास गए थे और उसी नकली मुकुट को मिस्टर नथानी ने चोरी किया और हरपाल सिंह जी को बेच दिया। ओए मतलब मेरे नाल धोखा? हरपाल सिंह नाल धोखा? ओए तैनू मैं देख लांगा मुकेश। धोखा? मैंने क्या धोखा दिया? धोखा तो तुमने दिया है मुझसे वो मुकुट चुराकर। Silence in the court, please. धन्यवाद मिस्टर नथानी, यही सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि हरपाल सिंह जी ने आपसे वो मुकुट आखिरकार चुराया कैसे? जी, मैं उस रात मुकुट लेकर हरपाल सिंह से मिलने गया था। बादशाह, कहाँ है मेरा सामान? जितने टाइम में तुम चेक साइन करोगे उतने टाइम में तुम्हें तुम्हारा मुकुट मिल जाएगा। अरे चेक की क्या बात करते हो मुकेश पाजी, चेक आपका रेडी है। हरपाल सिंह ने मुझे बेहोश करके मुझसे वो मुकुट ले लिया था। लेकिन जब आपने वो मुकुट चुराया था तब तो आप पूरे होश और हवास में थे ना? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मुकुट मैंने चुराया था? जी जी जी, यही कहना चाहता हूँ। चोरी तो अल्पना ने की है और रोहन का खून भी अल्पना ने ही किया है। ये झूठ बोल रहा है, खून मैंने नहीं किया है। अल्पना जी, अभी अभी मिस्टर मुकेश नथानी ने आप पर ये आरोप लगाया है कि मुकुट की चोरी और मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या आपने की है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं रोहन को क्यों मारूंगी और क्यों चुराऊंगी ये मुकुट? क्योंकि आप अपनी हालत से तंग आ चुकी थी, अपनी ही बहन के घर नौकरों जैसा काम कर करके आप बेजार हो चुकी थी, इसलिए आपने वो मुकुट चुराया ताकि आपके दिन बदले। लेकिन मुकुट चुराने के लिए मिस्टर मखीजा को मारना जरूरी था, इसलिए आप। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मिस्टर मखीजा के एंटीक्स के शोरूम के दूसरे दरवाजे के पास खून के धब्बे पाए गए और एक महिला के पिछिया के ये घुंघरू मिले। फोरेंसिक्स का ये कहना है कि वो खून के धब्बे मिस अल्पना के खून से मेल खाते हैं और ये घुंघरू भी इन्हीं के पीछे आके। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, खून इसी आदमी ने किया है और मुकुट भी इसी ने चुराया है। अल्पना जी, मिस्टर नथानी ऐसा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो मिस्टर मखीजा के साथ थे और दोनों एक साथ उस कमरे में आए थे, आप वहाँ पहले से छुपी हुई थी।
जैसे ही मिस्टर नथानी कमरे से बाहर गए, आपने मिस्टर मखीजा की हत्या की, मुकुट का वो डब्बा उठाया और दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भारी डब्बा आपके हाथों से छूटा, आपके पैरों पर गिरा, जिसके कारण आपके पैरों पर ये चोट लगी है और आपकी बिछिया के घुंघरू भी टूटे। Am I right? Or am I right? और इतना ही नहीं, तब तक आपने अमित को कमरे में आते हुए देखा, आपने एक सुनहरा मौका पाया। अमित ने गन को देखा, उसे लगा कि मिस्टर मखीजा की हत्या मिसेस मखीजा ने की है, इसीलिए मिसेस मखीजा को बचाने के लिए उसने वो गन उठाई और वहां से फरार हो गया। आपने वो डब्बा ले जाकर अमित के कमरे में छिपाया ताकि शक अमित पर जाए। Once again, am I right? Or am I right? ये सब झूठ है। ये सब सच है, Your Honor। जब अमित ने मुझसे कहा कि गोली चलने की आवाज होने के बाद मैं वो उस कमरे में पहुंचा, तो मुझे यकीन हो गया कि हत्यारा उसी घर का कोई व्यक्ति है। मिसेज मखीजा हो नहीं सकती थी, क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए हत्या करने के बाद इतनी जल्दी वहां से निकलना असंभव है। यार मौका वारदात की छानबीन करने के बाद जब दरवाजे के पास मुझे वो खून के धब्बे नजर आए और बिछिया के घुंघरू मिले और मिस अल्पना के पैरों पर जब मैंने चोट देखा, तो मैं समझ गया कि चोरी और खून दोनों इन्होंने ही किए। खून मैंने ही किया है। जब मैं और मेरी फैमिली करोड़ों में खेलती थी, तब मेरी कजन और उसकी फैमिली सड़क पर थी। क्या नहीं था मेरे पास, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। भुज में आए भूकंप ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। हम सड़क पर आ गए। कुछ साल बाद मेरे पति गुजर गए और फिर इन दोनों ने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन एक नौकरानी बनाकर। मेरी हालत घरों में काम करने वाली नौकरानियों से भी बदतर थी। तब मैंने ठान ली कि मुझे अपने दिन वापस चाहिए, और जब मुकेश ने मुझे ये प्लान बताया, तब मुझे लगा कि अगर मुकेश मेरी मदद करे इस मुकुट को बेचने में, तो मेरे दिन बदल सकते। मैंने सब कुछ इसीलिए किया, सिर्फ इसकी वजह से। ये मुकुट तुम्हें कहां से मिला केडी? ये मुकुट नकली है यार। ऑर्डर ऑर्डर, असली मुकुट इस समय हरपाल सिंह जी के पास है। सारी दलीलें सुनने के बाद और अल्पना के एक बाले जुर्म के बाद, यह अदालत अल्पना और मुकेश पर कत्ल और चोरी के इल्जाम में मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और अमित को बाइज्जत बरी करती है। जैसलमेर के महाराज दिलीप सिंह का वो मुकुट चूंकि देश की संपत्ति है, इसलिए उसे हरपाल सिंह के कब्जे से लेकर सरकार को सौंपने का हुक्म भी यह अदालत देती है। हरपाल सिंह पर मुकदमा चलाया जाए। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। थैंक यू। बधाई हो अमित। थैंक यू। अब क्या करोगे, फिर से मिसेज मखीजा के पास काम करोगे? क्योंकि वो तो रख लेंगी तुम्हें। नहीं केडी साहब, अब मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता मैं। गुड आइडिया।